हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल कलकत्ता से ये जो है प्रश्न है, कश्यप गोत्री कोई विप्र हैं शुभम जी, उनका प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियां साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकती हैं, इसमें क्या निषेध है, कोई शास्त्रीय प्रमाण दे करके प्रकाश डालें। देखिए इनका मुख्य प्रश्न है कि भाई स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम आजकल स्त्रियां करती हैं, शास्त्रों में मना लिखा है कि माता बहनों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो साष्टांग प्रणाम क्या होता है, पंचांग प्रणाम क्या होता है, ये हम आपको अभी बतलाएंगे। और माता बहनों को साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रीय प्रमाण बतलाते हैं। देखिए शास्त्रों में कुछ ऐसे संभार वस्तुएं उपकल्प बतलाए गए हैं, पदार्थ बतलाए गए हैं, वस्तुओं को उन चीजों को माना कि निरावण भूमि पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए, पृथ्वी पर। कुछ रख करके कोई पट्टा वस्त्र पीड़ा चौकी इत्यादि रख करके ही रखना चाहिए। वो इतने कौन सी चीज है जो बहुत ही उपयोगी है, प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी ये बातें हैं कि क्या चीज रखे क्या नहीं रखे। और रखने से क्या हो जाता है, कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है, वो सब जो है आप सुने। और इन एक एक वस्तुओं को लिखें या याद करें, अभ्यास में लाएं, इनको निरावण भूमि पर बिल्कुल नहीं रखें, महान अपराध होता है। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ संभार बतलाए गए हैं, वो अभी हम बाद में बतलाएंगे। मुख्य रूप से साष्टांग जो प्रणाम होता है और पंचांग प्रणाम होता है वो देखिए। तो साष्टांग जो प्रणाम है उसमें आठ अंग पृथ्वी पर लग जाते हैं। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम मूर्छा धिया शिरसा वचसा दृष्टिया प्रणामोष्टांग ईरितः। ये जो है आनेक सूत्रावली में प्रणाम के लक्षण बतलाए गए हैं। जानुभ्याम माने दोनों घुटनों से, दोनों घुटना पृथ्वी को छू जाए। दोनों पदभ्याम माने दोनों पैर। पाणिभ्याम दोनों हाथों से। उरसा माने हृदय वक्षस्थल। और धिया सबसे बड़ी बात, बुद्धि भी उनके चरणों में लग जाए। जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं तो वो बुद्धि भी उनके चरणों में लगानी है, केवल शरीर से नहीं। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम उरसा धिया और शिरसा, शिर को सिर उनके चरणों में झुके जाए, पूर्ण रूप से लगे जाए पृथ्वी पर। और वचसा वाणी से भी बोलें, ऐसा नहीं कि चुपचाप लेट गए, वाणी से भी कहें। भगवान को भी प्रणाम करना है तो मन से भी और वाणी से त्राहिमाम है ना, या जो है शरणम प्रपद्य, या जो अभिवादन के जो वचन है ना, अभिवादय अमुक शर्मा अमुक गोत्री अमुक प्रवरान्विता भो है ना, ये सब अभिवादन इत्यादि। और दृष्टिया, दृष्टि से भी चरणों को देखते हुए उनको प्रणाम किया जाता है। ये एक प्रणाम अष्टांग होता है, लेकिन महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये प्रणाम जो है निषिद्ध है, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं को कुछ अंग ऐसे हैं जो पृथ्वी पर नहीं लगाए जाते हैं, वो नहीं लगाए जाना चाहिए। बाहुभ्याम चैव मनसा शिरसा वचसा दृशा पंचांगोयम प्रणाम स्यात् पूजासु प्रवरा विमौ। ये जो है आनेक सूत्रावली में ये भी पंचांग प्रणाम महिलाओं के लिए बतलाया गया। बाहुभ्याम दोनों भुजाओं से, मनसा मन से भी स्मरण करते हुए, और शिरसा शिर को भी पृथ्वी पर रखें, और वचसा और वाणी तथा दृशा माने दृष्टि के द्वारा। ये भुजा भुजा दोनों भुजाएं एक ही गिनी जाएंगी, और मन सिर और वाणी और दृष्टि, बस इनको अपना वक्षस्थल, ये जो है पयोधर
पृथ्वी पर नहीं रखना है, ये नहीं लगाना है। पंचांग ही प्रणाम बतलाया गया। क्यों भाई ये वक्षस्थल महिलाओं को क्यों नहीं लगाया जाता है, क्यों नहीं लगाना चाहिए? बोले ये जो अगर लगाते हैं तो उससे जो है पृथ्वी को, पृथ्वी माता को इतना वजन लगता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाती। ऐसे ऐसे कुछ वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे कुछ संभार हैं जिनको पृथ्वी पर रहने पर पृथ्वी को अपार वजन की अनुभूति होती है, बहुत कष्ट होता है। तो जो पृथ्वी माता है हमारी, तो और अब हम उस पर मलमूत्र इत्यादि त्याग कर रहे हैं, जीवन भर हम उसके ऊपर वजन रखे हुए ही हैं, तो और ये उसको जो कष्ट देने वाले संभार हैं वो अगर हम उस पर रखते हैं निरावरण, जिनको शास्त्र मना करते हैं, तो पृथ्वी माता को बहुत कष्ट होता है। तो उसमें बताया गया है वो क्या क्या चीज़ हैं, इनको ध्यान से सुनना है और इनका परिपालन करना है। देखिए, ब्राह्मणस्य गुदाभारम शालग्रामंच पुस्तकम धरान सहते भारम स्त्रीणाम च कुच मंडलम। देखिए, ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बिठाना चाहिए, ब्राह्मण को आसन पर ही बिठाना चाहिए, अन्यथा वो जो है पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाएंगी। ब्राह्मण से गुदा भारम, ब्राह्मण की गुदा को पृथ्वी पर नहीं रखना है। शालक ग्रामम, शालक ग्राम को ऐसे ही उठा करके पृथ्वी पर नहीं रखना, सिंहासन पर, आसन पर, उनके किसी वस्त्र इत्यादि पर उनको बिठाना है। पुस्तकम, इसका परिपालन बहुत करना है। पुस्तक कोई ऐसा नहीं, कोई भी पुस्तकम, जो भी पढ़ने की हमारी पुस्तक है, विद्या है, जिसको हम अध्ययन करते हैं, आजकल लड़के लोग भी, जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट कहें, जिनको स्कूलों में कॉलेजों में पुस्तक पकड़ के हाथ में ले जाते हैं, यूँ पकड़ करके, और वो कहीं भी पटक दी, कहीं भी रख दी, जमीन पर रख दिए, कहीं कहीं रख दिए, बैठ गए, तो ये सब पुस्तक का सम्मान होना चाहिए। विद्या जो है, विद्या का अपमान करने पर वो श्राप दे देती है, फिर जन्मांतर में भी विद्या नहीं आती, और पृथ्वी माता को भी बहुत वजन लगता है। इसलिए पृथ्वी पर जो है कुछ बिछा कर, कुछ आसन रख करके, कुछ पीड़े पट्टे पर ही पुस्तकों को रखना चाहिए, निरावरण नहीं। धरान सहते भारम स्त्री नाम च कुच मंडलम, और स्त्रियों के कुच मंडल यानी वक्षस्थल, पयोधर है ना, ये भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। और पृथ्वी पर क्या क्या नहीं रखना चाहिए, देखिए, प्रदीपम शिवलिंगम च शालग्रामम मणिम तथा प्रतिमाम यज्ञ सूत्रम च सुवर्णम शंखमेव च। ब्रह्म वैवत पुराण के श्री कृष्ण खंड में ये जो है 75वां और 76वां श्लोक है। जपमालाम पुष्पमालाम कर्पूरम गोरत गो कर्पूरम रोचनान तथा यो मूढ़श्चार्पयेत् भूमौ सयाति नरकम ध्रुवम। देखिए, प्रदीप माने जलता हुआ दीपक, मोमबत्ती आदि जो भी है, ये सब दीपक के अंतर्गत ही आएंगी, वो तो सब जमीन पे ही कुछ टपका के रख देते हैं लोग, ध्यान देना, किसी पट्टे पीड़े पर रखना है उसको। और दीपक जलता हुआ है, आरती करिए या जो भी दीपक जलाया वो नहीं रखना है, कुछ धान्य पुंज रख करके या कोई पट्टा पीड़ा प्लेट रख करके तब उसमें जो है दीपक रखना है। शिवलिंगम, शिवलिंग को, शालग्रामम, शालग्राम मणि, जैसे स्फटिक मणि इत्यादि है जो है, इसको भी जमीन पर नहीं रखना है, कोई भी मणि हो। प्रतिमाम, किसी भी देवता की कोई भी प्रतिमा है। यज्ञ सूत्रम यानी यज्ञोपवीत जनेऊ, और सुवर्णम सोने का कोई भी आभूषण है, यद्यपि ये पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं सब चीज, लेकिन अलग से तुम्हें फिर वहां से हटाने के बाद फिर नहीं रखना है। स्वर्ण का आभूषण माताएं ध्यान दें, कोई भी पृथ्वी पर नहीं रखें। शंख मेव च, और बजाने वाला या घुमाने वाला कोई भी शंख, जब तक वो जो है, जब तक जो उसमें रहता है समुद्र में, तो अलग बात है, आप ले आए पूजा में आपने रख लिया, फिर आपको पृथ्वी पर नहीं रखना है, ये बात है ना। सुवर्णम शंख में बचा, और क्या क्या नहीं रखना है, देखिए, जपमालाम जिससे जप करते हैं वो, पुष्पमालाम कोई भी पुष्पमाला, कर्पूरम रोचनम तथा कर्पूर और रोचन गोरोचन
अगर इन संभारों को कोई रखता है तो क्या हो जाता है, यो मूढ़स चारपाएत भूमौ सयात नरकम ध्रुवम, जो इनको भूमि पर रखता है वो मूर्ख नरक में जाता है, इसलिए नहीं रखना है। कितना बड़ा भारी अपराध है। स्वयं पृथ्वी देवी जो आप पुराण में कह रही है, वराह पुराण में पृथ्वी देवी का खुद वचन है, देखिए कि हम इन चीजों का जो है वहन नहीं कर सकते। वहां सर्वम वराह रूपेण हम तवाज्ञया लीला मात्रेण भगवान विश्वम च सचराचरम, हे प्रभु आपकी आज्ञा से, पृथ्वी देवी भगवान से कह रही है, आपकी आज्ञा से मैं संसार में भूधर पर्वत सब जो भी समुद्र इत्यादि वृक्ष जो भी है उन सबको वहन करते हैं, हमको ये लीला मात्र है हमारी, हमको कोई इनका जो है भजन नहीं लगता, कष्ट नहीं होता, लेकिन इन चीजों को नहीं रखना है, इन चीजों का हमें बहुत भजन लगता है। मुक्ताम सुक्तिम हरेर्चाम हरेरर्चाम शिवलिंगम शिवाम तथा शंखम प्रदीपम यतनम च, यंत्रम होना चाहिए, शंखम प्रदीपम है ना, यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञ सूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसी दलम जपमालाम पुष्पमालाम कर्पूरम च सुवर्णकम गोरोचनम चंदनम च शालग्राम जलम तथा एतान मूढ़ मशक्ता हम क्लिष्टा न भगवान चृणु, इनको मैं सहन नहीं कर सकती, ये भगवान से कह रहे हैं। मोती शीप हरेरचा किसी भगवान का विग्रह शिवलिंग है ना, भगवती की मूर्ति, शंख जलता हुआ दीपक, यंत्र किसी भी देवता का कोई भी यंत्र है, माणिक्य माणिक्यम हीरकम तथा माणिक्य और हीरा ये रत्न है, यज्ञ सूत्र माने जनेऊ पुष्प पुस्तक और तुलसी दल, तुलसी दल को भी कोई ले आए तुलसी ठाकुर जी पे चढ़ाई और बाद में उठा करके ऐसे कहीं रख दी, नहीं नहीं उसको किसी पात्र में रखना है, बाद में किसी जलाशय में उसको प्रवाहित करना है, जो भगवान का निर्माल्य है ऐसे भूमि पर नहीं फेंकना है। और शालग्राम जलम तथा, शालग्राम जल माने भगवान शालग्राम का जो आपने अभिषेक किया स्नान किया तो वो जो जल है अभिषेक जल है चरणोदक है उसको पीना है, उसको ऐसे भूमि पर फेंकना नहीं है, ये भी निषेध है। देखिए अब इस श्लोक से कहने में बहुत समय लग जा रहा है, संक्षिप्त में मैं कुछ चीजों को आपको गिना देता हूं, देखिए उनको आप स्मरण रखिए, जलता हुआ दीपक शिवलिंग शालग्राम मणि देव प्रतिमा शंख मोती माणिक हीरा स्वर्ण तुलसी दल रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला को भी पृथ्वी पर नहीं रखना है, पुष्पमाला जपमाला पुस्तक यज्ञोपवीत चंदन, जो भी चंदन की लकड़ी है जो ये चंदन घिसते हैं हम, वो चंदन नहीं रखना है, यंत्र फूल कर्पूर गोरोचन और कुशा की जड़, कुशा यद्यपि पृथ्वी पर ही लगता है लेकिन आपने वहां से उखाड़ लिया और अपने काम के लिए ले आए, फिर उसको जो है पृथ्वी पर नहीं रखना है। जब किसी का विधान है जहाँ रखना है वो उस तरीके से रखा जा सकता है, ऐसे मनमाने ढंग से वैसे नहीं रखना है ये। और जो है सबसे बड़ी बात है वीर्य का पृथ्वी पर त्याग नहीं करना है, युवा वर्ग ध्यान दे, वीर का पृथ्वी पर जो त्याग करता है उसके वीर के जितने भी कण पृथ्वी पर गिरते हैं उतने वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है, उतने लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है, रौरव नरक में। जो कामांध व्यक्ति पृथ्वी पर वीर गिराता है वहां की जमीन में जितने रजक कण होते हो उतने हजार वर्षों तक उतने लाख वर्षों तक ऐसा आया है रौरव नरक में रहना पड़ता है, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा नौवें स्कंद में दसवें अध्याय तीसरे श्लोक में। और देखिए पृथ्वी महारानी जब जो है राक्षस लोग बढ़ जाते हैं अधर्मी बढ़ जाते हैं तब वे भगवती गऊ का रूप धारण करके और प्रभु के शरण में जाती हैं। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस समय जो है गोतनधारी भूमि विचारी जहाँ माँ जो पहुंची देवताओं के पास में तब उसने कहा है वहां जाके अतिशय देख धर्म के गिलानी परम सभीत धरा अकुलानी,
जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, अधर्म में जो है निपुण रहते हैं, अधर्म में परायण रहते हैं, अधर्म अधार्मिक लोग होते हैं, उनसे भी पृथ्वी को बहुत वजन लगता है। और वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा मुझे वजन लगता है ईर्ष्यालु से, जो परद्रोही है, जो दूसरे से द्वेष करता है, ईर्ष्या रखता है, उसका वजन पृथ्वी को इतना लगता है जितना कि सुमेरु पर्वत का, हिमालय का, इनका नहीं लगता। देखिए क्या कह रही है कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोई गरुव एक परद्रोही। गिरि का बड़े बड़े विशाल अनंतानंत पर्वत पृथ्वी पर हैं, वे उन सब का सरिताएं और सिंधु सात समुद्र पृथ्वी पर हैं, उनका भार नहीं मोई, मुझको इतना भार नहीं लगता जितना कि जस मोई गरुव एक परद्रोही। जैसा कि एक परद्रोही दूसरे से ईर्ष्या करने वाले एक पुरुष का जितना वजन पृथ्वी माता को लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम धार्मिक बने और किसी दूसरे से द्वेष ईर्ष्या न करें, अन्यथा हमारे अंतर्गत इतना वजन हो जाएगा कि पृथ्वी माता हमको सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए ईर्ष्या से और द्वेष से बचें और धर्म परायण हों, इन वस्तुओं को पृथ्वी पर निरावरण कभी न रखें। यही कारण है कि माताओं को जो है लेट करके जमीन पर प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो पंचांग सिर झुका करके सिर को और घुटनों को पृथ्वी पर रख करके, घुटना पृथ्वी पर रख दें और सिर रख दें और हाथ रख करके इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। हर हर महादेव।